हेलो दोस्तों, विक्रय रेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे और वर्सेस आईपीएल, जो अभी एग्जाम भी रेलवे का हो रहा है और आईपीएल का मैच चल रहा है, तो दोनों को मतलब पढ़ाई को कैसे रखा जाए। और उसके बाद क्या है कि हम बात करेंगे कि कंपटीशन इस बार का कैसा होने वाला है, टफ होगा या ईजी होगा। दोस्तों, अभी आप लोग देख ही रहेंगे कि आईपीएल का मैच अभी चल रहा है और रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी उसमें भी आ गया है। तो देखिए, ये अभी इस तरीके का समय भी चल रहा है जिसमें क्या है कि आपको अगर नहीं संभले तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। इस बार आपको जॉब से हाथ धोना पड़ते, आपको जॉब नहीं मिले, सिलेक्शन नहीं पाए आपका। तो दोस्तों, आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए अपना मोटिवेशन बनाए रखें, इस सब के चक्कर में मत पड़े। आईपीएल देखिए, इस बार नहीं देखेंगे तो अगली बार फिर आईपीएल होगा, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा आपको आईपीएल देखने का मौका मिलेगा। और इसको ज़्यादा सर्दी वगैरह भी हो गया है, वीडियो तो बनाएंगे तो आगे बीच में डिस्टर्ब करता है। करे हाँ, बैठो। पढ़ते जब रहेंगे तो ये पेन लेके भाग जाता है और पेन का सारा का जो नीव जो होता है ये तोड़ देता है, मतलब नीचे रगड़ के वो बहुत सारा पेन, 2-3 पेन मेरा ख़राब कर दिया है। खैर, बच्चा इसको क्या कर सकते हैं, अभी से पढ़ने का शौक है, जब बड़ा होगा तो नहीं पढ़ेगा तो अगर कूटेंगे तो बढ़िया से समय, फिर इसको समझ में आएगा। खैर, चलिए बात करते हैं इससे। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि आईपीएल क्या है, देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैच क्या है कि आप ज़्यादा अगर चूल मचाए आपके अंदर ज़्यादा कि नहीं भाई मैच को देखना है, तो आप क्या कीजिए, हाइलाइट्स आता है हर मैच के बाद, हाइलाइट्स को आप अगर देख ले, 15-20 मिनट का, आधा घंटा का हाइलाइट्स होता है, उसमें आपका पूरा सीमेंट निपट जाएगा कि हाँ कौन जीता कौन नहीं जीता। बस इससे ज़्यादा मत, उससे ज़्यादा मतलब रखिए। दोस्तों, अगर आप आरपीएफ एसआईएन कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किरण प्रोबेशन की बुक बेस्ट बुक हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए सारे जितने भी एग्जाम अभी तक 2019 में हुए उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। ये कॉन्स्टेबल की बुक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एसआई की जो है 2019 में जो एग्जाम हुए उसका सारे स्पिट वाइज यहाँ पर दे दिए गए हैं। उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखिए सब इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस वर्कबुक है। इसमें आपको 2018-19 के जो कुछ फल प्रश्न पत्र है वो भी इसमें दे दिए गए हैं। और इसके बाद ये कॉन्स्टेबल की बुक है, ये भी प्रैक्टिस वर्कबुक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसका इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है, ये देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम है और ये इसका हिंदी मीडियम है। तो आप दोस्तों डेली क्या है कि प्रीवियस ईयर का सेट बनाइए, इससे पता चलेगा कि आप किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दिन आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट बनाइए और एक दिन आप ये प्रैक्टिस सेट बनाइए, ताकि आपका तैयारी और भी बेहतर हो सके। इसको आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके उसको मंगा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन लेने के लिए आप किसी नज़दीकी बुक शॉप पर जाके उसको ले सकते हैं। क्योंकि अगर आईपीएल आप देखने लगे तो इस चक्कर में आपका पढ़ाई भी छूटेगा और एग्जाम अभी बहुत जल्दी एएलपी का होने वाला है, टेक्नीशियन भी बहुत जल्दी जून जुलाई में अगर ले ही लेगा एग्जाम, तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगर आईपीएल के चक्कर में रहेंगे तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, कोई आपको रुकने वाला नहीं होगा, फिर आपको बाद में पछतावा होगा कि अरे उस समय कुछ हम पढ़ लिए रहते तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता। इसलिए अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें इस पर। और उसके अलावा क्या है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें मान लीजिए जीके में आईपीएल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आईपीएल जब खत्म हो जाएगा पूरा तो उसके बाद लास्ट में एक पेज का करंट अफेयर वगैरह जो आता है आईपीएल से पूरा रिलेटेड, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो बस आपका काम निकल जाएगा। उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन जीता कौन हारा ये सब जानने से मतलब है, किसको पर्पल कैप मिला, किसको बहुत सारा जीत मैन ऑफ द मैच मिला, मैन ऑफ द सीरीज उसको मिला, बहुत सारा चीज़ होता है। तो वो एक बार आप देख लेंगे तो बस वो पूरा कवर हो जाएगा, पूरा मैच देखने का जरूरत नहीं, इसलिए आप मैच से थोड़ा सा दूर रहें। और तुमको मैच देखना अच्छा लगता है, समझ में आता है? वर्ल्ड कप तो चल रहा था, उस समय हम तरफ देख रहे थे मैच, इसको कुछ समझ नहीं आता है। एक ओवर में कितना बॉल होता है बताओ? हमारा तो पता नहीं है, तुम्हारा पता नहीं है तुमको, तो फिर तुम क्यों बोलती रहती कि हम चलेंगे मैच देखने स्टेडियम में? तो शौक है। शौक है, वो शौक कुछ नहीं, हमको तुम देख लो, समझो विराट कोहली हम ही है, बात करता हूँ। किसको देखेगी तुम? सचिन तेंदुलकर। तो चलिए उस सबको बात को हटाते, और कंपटीशन इस बार का देखिए कैसा होने वाला है। तो कंपटीशन देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन थोड़ा टफ भी होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं इजी होगा। देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन क्या है कि कुछ कटअप जो हो सकता है वो उतना हाई जाने का संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए कि बहुत सारे लोग क्या है कि आईटीआई नहीं किए रहते, ग्रुप डी में देखिए बहुत सारा काफ़ी मतलब स्टूडेंट होते हैं जो बिना आईटीआई वाले को भी उसमें ले लिया जाता है, तो उसमें कटअप काफ़ी हाई जाता है, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कम है उससे। तो कट ऑफ कम से कम हमको लगता है जनरल का 100 में 70 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा, 70-60 ही के आसपास कट ऑफ इसका रहने वाला है एवरेज। और बहुत सारे लोग देखिए आईपीएल वगैरह भी देख रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा इजी उस समय भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैच में बिजी हैं, तो वो लोग क्या है कि आप जो लड़के अगर मेहनत कर लिए पढ़ाई कर लिए वो आगे निकल जाएगा, और जो मैच देखने लग गए तो उसी में लगे रह जाएगा। तो ऐसा नहीं आप लोग करें, थोड़ा सा अलर्ट रहें मैच देखने के चक्कर में, फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। ड्रीम इलेवन वगैरह ये सब क्या ऐसी होता है, झूठ मूठ का फालतू का ये सब होता है, एक आदत लग जाता है, इस सब से दूर रहें। मैं आज तक ड्रीम इलेवन वगैरह ये सब कभी तक इसमें बैट वगैरह नहीं लगाता हूँ। आईपीएल भी मैंने आज तक मतलब नहीं देखा, बहुत कम, मेरा हर साल आईपीएल होता है तो कौन उसको देखेगा, कितना उतना देर अगर हम पढ़ाई कर लेंगे तो हम अपने लाइफ के लिए कुछ कर लेंगे। क्या जी आईपीएल नहीं देखते? आईपीएल था कि वर्ल्ड कप था?
बकलोल कहीं के। अच्छा अच्छा, वर्ल्ड कप मैच था तो ओनली इंडिया का मैच होता था तो वो हम देखते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया के अलावा अदर मान लीजिए मतलब कंट्री का मैच हो रहा है तो उसको भी वो लोग देखते हैं। इतने वो तो वो सब के खाली कुछ लोग बैठे होते हैं, वो लोग करते हैं, चले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो पढ़ाई के जो पढ़ाई कर रहे जो स्टूडेंट है तो उनको इस सब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस सबसे दूर रहना चाहिए थोड़ा सा। तो बस इतना ही मतलब है कि जितना ज़रूरत है एग्जाम में बस। और अभी देखिए कि आपका साइंस भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का 40 नंबर का उसमें आने वाला है एएलपी टेक्नीशियन में। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको मैथ 25 है, रीजनिंग 25 है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। और जीके का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, करंट अफेयर कुछ आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो 2-4 नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर करंट अफेयर से अगर आ जाता है तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ है और जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आप मतलब एग्जाम करेक्ट कर ही लेगा, ये तो सिंपल सी बात है। और उसमें कंपटीशन का रहा बात तो उसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या आते हैं ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं सोचते चलो उसमें देखा जाएगा। और बहुत सारा का सेंटर दूर हो जाता है उसमें बहुत लोग एग्जाम देने नहीं जाते, तो कट ऑफ इससे भी कम हो जाता है, बहुत लोग अब्सेंट भी उसमें होते हैं। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना तैयारी मन से करते रहें तो अगर अच्छा तैयारी रहेगा तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो सकता है। इसलिए रेगुलर मेंटेन करके रखें, डेली एक एक मतलब एक सेट तो डेली आप लगाएं। उसके अलावा क्या है कि आप जैसे मान लीजिए साइंस है तो साइंस पर ज़्यादा फोकस करें, साइंस को डेली 1-2 घंटा जरूर पढ़ें। मैथ है, रीजनिंग इस सब को जरूर फोकस करें, सब पे भी बस सबको थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ना जरूरी है। इससे आपका मतलब कोई एक पार्ट अगर आपका वीक हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए सारे पार्ट्स को मतलब इक्वल टाइम देना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे 40 नंबर का साइंस है तो साइंस पर और ज़्यादा फोकस करें, उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ें। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से मन लगे तैयारी करते रहिए, उतना टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा और मन से थोड़ा पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।